हजारी दीन तालाब स्थित ग्राम बैसा हल्का बैसा गोविंदगढ़ तहसील हुजूर जिला रीवा को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन देते हुए बताया गया कि ग्राम बैसा का तालाब व तालाब के नीचे में बना मंदिर अति प्राचीन है, जिससे गाँव वालों का गुजर बसर व आम निस्तार होता था। यह कि उक्त तालाब संपूर्ण रूप से सार्वजनिक निस्तार में रहा आया है, जो आज कुछ लोगों के अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। यह कि कुछ भूमाफियाओं ने विषयांकित तालाब को पूर्णतः अपनी गिरफ्त में ले लिया है एवं आमजन के निस्तार को बाधित कर दिया है। तालाब का पूर्णतः निजी उपयोग व उपभोग उक्त माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। हरिजन आदिवासियों की बस्ती उक्त तालाब की मोड़ से बसी है, फिर भी उक्त बस्ती में बसे लोगों को भी वहां से विस्थापित किया जाने की उक्त माफियाओं की पूरी चेष्टा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। जी भैया, आज ज्ञापन देने आए हैं क्या, मांगे कहां से? ज्ञापन हम आए हैं ग्राम बैसा से, शत्रुघ्न पांडे हैं और ये पूरी पब्लिक है गाँव की। हमारे गाँव में तीन तालाब हैं, तीनों तालाब में भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। एक तालाब में तो भारत प्रसाद पांडे ने किया है, आप मौके में जाके देख लीजिए, एक तालाब में दिनकर प्रसाद पांडे, एक तालाब में मुनीन्द्र है ना, एक तालाब में मुनीन्द्र तिवारी, मौके में तीनों तालाबों का कब्जा हो गया। ये कहाँ के हैं? बैसा में ही तीनों तालाब। और आपने शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दी? क्या शासन को कई बार जानकारी दी गई? हाँ, पंचायत में वो शासन काम ही नहीं कर रही, अतिक्रमण नहीं हटा रहे। आज भी आए आप लोग? हाँ आज भी आए। किससे मिले? क्या क्या ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब के यहाँ, दे दिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि मौके में मुआयना करके और जांच करेंगे। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं लगातार यहाँ पे, कब से कब जगह? ये जब से 10-15 साल से तालाबों के पीछे पड़े हुए हैं लोग हमारे गाँव के। क्या है कि भूमाफिया टाइप के लोग हैं, अब वो जितनी शासकीय ज़मीन है उनमें सब में कब्जा करते हैं। नदी के पास भी है सरकारी ज़मीन, वहाँ पे भी वही लोग कब्जा किए हैं। होगा तानाशाह। उस कब्जे से क्या करते हैं? तालाब से मिट्टी वगैरह निकलवाते, मिट्टी निकलवाते हैं और बोए हुए हैं ना, खेती किए हुए हैं, पानी निकाल लेते हैं। घर बनाए हैं तो क्या नाम होते हैं? शत्रुघ्न पांडे। बताइए क्या? हम लोग 30 साल से घर बनाए हुए हैं तालाब में, हम लोग के पास सरकारी ज़मीन जगह नहीं है कुछ, ना हमारे लोग के माँ बाप के लिए है। हम लोग आज 30 साल से तो वहाँ पे पानी भी निकाल लिया गया, उस तालाब को सरकारी लोग बना पट्टे बनाकर जोत बो लिए, हम लोग को भगाना भी चाहते हैं, आए दिन लड़ाई करते हैं, आए दिन हम लोगों को मार भगाते हैं पटेल लोग। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से जाएं, हम लोग के पास जगह ज़मीन नहीं है ना। हम लोग आज 50 साल से भी, हमारे माँ बाप भी उस तालाब में रहते थे, हम लोग को बड़ी परेशानी है ना। दो बार चार चार बार अर्जी दे चुके, आवेदन कलेक्टर को शिकायत कर चुके, हमारे लोग के कोई सुनने वाले नहीं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं सर? हम लोग के घर की बस्ती कितने परिवार? कम से कम नहीं तो 150 बस्ती घर की है। हम लोग कम से कम नहीं तो पब्लिक जन बच्चे से लगा लें तो 400 घर पब्लिक बन रहे हैं। हम लोग को इतना कष्ट है सर कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हम लोग कहाँ रह सकते हैं। हम लोग के माँ बाप कहते हैं, वो लोग आपको हम लोग को भगाए देते हैं, आए दिन परेशान करते हैं, कहते हैं हमारे पक्के हैं। इससे पहले भी कई अधिकारी से बात की है? हम लोग कई बार कह चुके हैं, कई बार की पावती भी लिए हैं, कलेक्टर साहब के लिए हैं, SP साहब के लिए हैं, सब चीज़ की पावती लिए हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई, एक बार आग भी लगा दिया गया, फिर भी शिकायत किया, कोई सुनने वाला नहीं है सर। हम लोग गरीब आदमी के पास ठीक है जगह जमीन नहीं है तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हम लोग के माँ बाप तो ठीक है, हमारे लोग के पास जगह जमीन नहीं, हमारे माँ बाप की नहीं रहे, हम लोग तालाब में बसे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुग्रीव साकेत, हमारे पिताजी का नाम श्री बुद्धसेन साकेत है।